नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को। दोस्तों आज आए हैं उस्ताद जी की छत पे, बिल्लू उस्ताद जी की। हंगोई में सभी जानते हैं का प्रोडक्ट, और ये हमारे नवीन भाई दोस्तों उस्ताद जी की पार्टी से हैं। तो उस्ताद जी, जो कबूतरबाजी का सफर रहा वो बताइए, कब से कर रहे हैं और आपने उस्ताद जी के बारे में इस पार्टी से थे आप? मैं तो जैनमन, तो हमारे जो है बाबू जी श्यामला जी, मेरे जो उस्ताद थे बाबू जी श्यामला जी। अच्छा अच्छा। जैसे मैं रमाशंकर पार्टी से हूँ। अच्छा अच्छा रमाशंकर। लेकिन जो जो मेरे गुरु थे ना, वो बाबू जी श्यामला जी थे। अच्छा। हाँ, जिससे कबूतरबाजी सीखी या फिर जोड़ेबाजी सीखी या जैसे नस्लें बारे में पता लगा, तो वो बाबू जी श्यामला जी थे जो मेरे गुरु। मैं जो गुरु मानते हैं वो बाबू जी श्यामला। उसके बाद फिर जो है, मैं पहले देसी वैसी उड़ाया करता, मेरा शौक था निकलता। अच्छा, शुरू में देसी उड़ाते थे? देसी मैं तो उड़ाया नहीं करता। अच्छा, उड़ाए शुरू से मतलब? मेरे कबूतर को शौक नहीं था, जो भाई वगैरह थे उनको शौक था, देसी कबूतर रखते थे। तो कितने साल मतलब कबूतरों से जुड़े? कितने साल कबूतरों से? मैं एक्चुअल जुड़ा हूँ 94 के आसपास। 94 के पास फिर मद्रास ही रखा? नहीं, मैं 98 में, कभी देखो सच बात ये थी, कभी कबूतरबाजी में जीते नहीं। अच्छा भाई, जीतना मतलब वो था देसी कबूतर रखते थे, नॉलेज थी नहीं, कोई गुरु था नहीं। और कहते हैं गुरु का बड़ा महत्व होता है कबूतरबाजी, बिना गुरु को तो ज्ञान नहीं। बगैर गुरु के तो ज्ञान नहीं है। मैं जैसे ही उड़ाते थे तो हार जाते थे देसी कबूतर। तो फिर हमारे एक दोस्त बोले, भाई एक बहुत अच्छे उस्ताद हैं, वहाँ चलेंगे। हाँ, हम लोग कहाँ चलेंगे? मम्मू उस्ताद हैं। तो मम्मू उस्ताद नहीं, उस टाइम मम्मू हैं। अच्छा अच्छा। आजाद गुरु मंडी में, तो वहाँ चलेंगे। तो फिर मम्मू भाई के पास गए, तो वहाँ जाकर हम बाबू जी श्यामलाल जी मम्मू से मिले, फिर बाबू जी श्यामलाल से मिले। अच्छा, वो उनके उस्ताद थे? वो उनके उस्ताद थे। फिर इतना प्रेम हो गया बाबू जी थे, तो वो थोड़ा सा थोड़ा महत्व, जैसे हम रिस्पेक्ट करते गुरु जी भी थोड़ा, फिर ना पता बच्चा बड़ा शौकिया है, मेहनती है, मेहनती है। तो फिर थोड़ा हाँ गुरु जी इतना लगाव हो गया, बातें होगी। तो फिर गुरु जी बोले भी हम थोड़ा सा उन्होंने हाथ रखा। तो फिर भाई बहुत ही कम ऐसे सबके पहले कभी जीते नहीं, और जब फाइट होती थी फिर उड़ान के टाइम पर, तो मोस्टली जो है कुछ बात जीत ऐसी देखे भाई, फिर थोड़ा हार का मुकम ही देखा, क्योंकि हार जीत देख के तो गेम है, लेकिन उड़ाए तो हमेशा फाइट में रहे। अच्छा, उसके बाद फिर? हाँ, फिर फाइट में रहे। तो फाइट में रहने के बाद फिर बाबू जी का बेचारे गए, वो नए नए स्वर्ग में चले गए। तो फिर कुछ बातें बाबू जी ने बतानी थी, तो फिर मम्मू के साथ जुड़े रहे। मैं मम्मू विमल एक ही गुरु के चेले हैं तीनों, हम तीनों एक ही उस्ताद के चेले हैं तीनों, और आज भी इतना प्यार है तीनों का बोले जा रहा। उसके बाद फिर उस्ताद जी उनको? हाँ, फिर मम्मू भाई को उस्ताद जी मिल गई, फिर विमल ने फिर मेरे को मिल गई। तो फिर एक टीम ऐसी होगी, जैसे कि ये सारे बोले दादा हम जो है एक टीम अपनी अलग ऐसी बना ले जैसे। हाँ, तो जो आप कप उड़ाते हैं उस कप का क्या नाम है, उस कप में कौन कौन उस्ताद जुड़े हुए हैं उनके बारे? हाँ, हमारी ना दिल्ली एकता पिजन क्लब के नाम से, जैसे हमारी पार्टी होगी बिल्लू उस्ताद के नाम से होगी, सुनील उस्ताद हो गए, वो उस्ताद सबने जो थे रवि उस्ताद, उस्ताद कहाँ के? पटेल नगर। पटेल नगर, ठीक है। उसके बाद फिर ताहिर भाई हो गए, अब वो उस्ताद, हाँ गुरु जी उधर ही होंगे, गुरु उस्ताद उनके शागिर्द थे, तो वो हमारे साथ शौक कर रहे हो बड़े खलीफा पार्टी के। हाँ, ताहिर ये चांदी बल्ली माराम से है। फिर हमारे एक अच्छे दोस्त है कल्लू पहलवान जी कोटला से। हाँ जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शौक कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे उड़ाते हैं वे कबूतर। और जो है एक हमारे जो है पप्पू उस्ताद है मलिक साहब, इस्लामुद्दीन मलिक। हाँ, ये पांच हम उस्ताद, हाँ वे पांच उस्ताद हैं जो मिलकर हम शौक करा रहे हैं। हाँ जी, तो बड़ा कफ कम्पटीशन बड़ा टफ होता है हमेशा। 2 साल से चैम्पियन है ये नवीन भाई। हाँ, नवीन जो है यूट्यूब, हाँ लगातार, यानी कि लगातार ही फर्स्ट 4 बाजियों में, यानी कि बहुत अच्छा शौक। टिंकू बहुत अच्छा है, मनोज बहुत अच्छा उड़ाने, जितने भी हमारे 10-12 हैं, जैसे कैलाश भाई है, जिस मैं देखो तारीफ कर रहा हूँ कैलाश भाई की भी, गर्मी में उड़ाता तो मतलब सोचो चैंपियन है वो उड़ाने का, वो भी गर्मी में उनके। हाँ जी, धर्मा है हमारी पार्टी में, मतलब वो भी चैंपियन है। बुल्ली भी हर बार ही जैसे उड़ाता, 2 साल से लगातार, मतलब ये लगा लो भाई, वो भी पोजिशन में रहता हमेशा। सत्य भाई है, एक मोनू है जैसे रिठाड़ा वाला, ये बहुत अच्छे उड़ाने वाले हैं। हाँ, एक पारी है वो भी बहुत अच्छा उड़ाता है। तो आपकी पार्टी खलीफा क्या नाम है? हमारी पार्टी का संदीप टिंकू नांगली से होता है मेरा। अच्छा, हाँ, अच्छा। वो खलीफा, वो बड़े खलीफा पार्टी के।
चलो भी वो तो खैर काफ़ी चीज़ें जान ली आपके बारे में, तो चलो कबूतरों का शौक कराते हैं, क्योंकि वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी आती है। तो अभी उस्ताद जी के जाल में आ गए हैं और कबूतरों का शौक कराएंगे, अभी सारे दिखाएंगे आपको। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जाल बहुत प्यारा लगा, जो ब्रीडिंग सेटअप है सबसे बेस्ट लगा मेरे को, क्योंकि काफ़ी स्पेस है, 2x2 का जाल है, गहराई भी अप्रॉक्स 2 फीट की है। और ऐसे कबूतर जो ऐसी नस्लें यहाँ देखने को मिलने, मुझे नहीं लगता कहीं मैंने देखी होंगी, वो आपको भी देख के बहुत मज़ा आएगा। और ये हमारे उस्ताद जी हैं, बिल उस्ताद जी से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर शौक कराते हैं, वो कबूतर एक से एक दिखाते हैं आपको। लॉफ्ट तो दिखाई दिया, तो दोस्तों ये गोल्डन कबूतर का शौक कराते हैं। क्या खासियत है उस्ताद जी इसकी बताइए। और ये ब्रीड हमारे पास है ना, घर की ब्रीड हमारी खुद की, और इसमें क्वालिटी इतनी अच्छी, मतलब पक्कापन। इसमें वाइब्रेशन देखो, परों में तो मतलब इसका बिल्कुल देखो कितना बारीक तिल है इसका। तो उस्ताद जी परों की क्या खासियत होती है वो भी बताइए एक बार हमें। परों की जैसे कैसे बताऊँ, परों की वो बताओ किस तरीके से, मतलब कबूतर एक उड़ने वाले कबूतर की क्या खासियत होनी चाहिए परों की। देखा क्वालिटी उड़ने वालों की और जो जोड़े वालों की क्वालिटी होती है सब। जैसे इसका जो है ना पल्ला देखो आप, नंबर एक तो इसमें वापसी बहुत है, मतलब इसमें वाइब्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो वाइब्रेशन कितनी कबूतर के अंदर, मतलब पहला पॉइंट ये है कि वाइब्रेशन होनी चाहिए परों में। जितनी वाइब्रेशन बॉडी के अंदर, मूवमेंट लगा लो, जैसे एक एथलीट है तो कभी आप 100 मीटर का एथलीट देखोगे ना तो उसकी मूवमेंट ऐसे ही पाएगी, मतलब ब्रेक का तो विसल बजेगी तो मैं भागूँ, तो सेम इसमें वाइब्रेशन देखो कितनी ज़्यादा। इसका तिल्ला बहुत बारीक है, देखो बारीक तिल्ला बहुत ज़्यादा, ठीक है। और पर के ऊपर पर्दे गैप नहीं बिल्कुल भी। और जो फिलहाल झाड़ पे है कबूतर थोड़ा सा, ये देखो कितना गुच्छा पर होगा इसके। इसकी बगले जो हैं, बगले बहुत बहरी भारी हैं इसकी, ठीक है ना। और दूसरा इसका आठवां बड़ा है, आठवां बड़ा है, सही बात। और जैसे जैसे उड़ान होती है ना बैठते घर पे, ये पर देखो जैसे कितने फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसकी गांठ लगा दो आप फिर खुल जाएगी, और इतना सॉफ्ट होता है इसका कबूतर का, ठीक है। दुम कैसी होनी चाहिए? दुम ये देखो जी, ये टाइम दुम होनी चाहिए कबूतर की, बंद दुम का होना चाहिए, बंद दुम का होना चाहिए, ठीक। ये जो है ना घर पे वापसी कबूतर की, बंद दुम वाले, हाँ बंद दुम वाले की। तो छोटे बड़े का भी रोल होता है इसमें, अगर दुम छोटी है या बड़ी है उसका कुछ महत्व है कबूतर की? पर तो देखो दुम के साइज की होनी चाहिए, और लंबी हो तो क्या बात है, अगर छोटे कुंदे का तो छोटी दुम होनी चाहिए। नहीं नहीं, छोटे कुंदा तो होना नहीं चाहिए ना, जितना छोटा कुंदा होगा कबूतर ज्यादा पर मारेगा, तेज पर मारेगा। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, वो उड़ने में जैसे चौड़ा पर नहीं होना चाहिए कबूतर का, बारीक पर होना चाहिए, जैसे जो ये तिल्लियां हैं एकदम बारीक होनी चाहिए, परों में मतलब पारदर्शी तो अपन होना चाहिए, ठीक। कितना वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन, तो इसका क्या रिजल्ट रहा है आपके पास, इसका कुछ हिस्ट्री बताइए। जून में बिल्कुल सुबह 6 तले का शाम के 6 बजे बिठाया मैंने वो। अच्छा, ये गोल्डन कबूतर है? हाँ, ये गोल्डन का बाप भी हमारे पास है। अच्छा, इसका बेटा भी हमारे पास है। अच्छा, ये घर का ही है मतलब? ये घर की ब्रीड हमारी, इसका बाप भी देखा आपने। पंजे कैसे हैं सर उस्ताद जी इसके? इसका देखो बारीक पंजे, बिल्कुल बिल्कुल खुश पंजे हैं इसके। और पंजों में अगर बात की जाए तो क्या खासियत होनी चाहिए कबूतरों में? खुश देखो एक देसी कहावत हमारी, जितना भी ड्राई एरिया होगा ना, मतलब झाड़ियाँ वाड़ियाँ मिली कटी लेते, जितना लंबा पंजा तो मगर वहाँ पानी की क्षमता कम होगी ना, मतलब वहाँ प्यास कम लगेगी, जितना लंबा पंजा होगा नखून लंबा होगा ना, उस कबूतर को प्यास बहुत कम लगेगी, ठीक। जितना भी पतला पंजा होगा, कबूतरी क्वालिटी कई होती है, जैसे हड्डी से इसकी हड्डी देखो आप, छोटी हड्डी का है मतलब ये चीज है, हाँ इसमें गैप नहीं होगा बिल्कुल भी लास्ट में। तो ये कश्ती वाली हड्डी कहेंगे इसको? हाँ, ये कश्ती वाली, कश्ती वाली बोलेंगे ना, वैसे तो चांदनुमा हड्डी है ये, लेकिन बिल्कुल नोका जैसी इसके देखो, यहाँ देखो 1% ज्वाइंट नहीं मिला बिल्कुल कबूतर, जोड़ मतलब एक कबूतर एकदम बंद होना, बिल्कुल बंद होना चाहिए कबूतर। तो खुली जगह मान लो खुली जोड़ का होगा तो उसमें क्या नुकसान होता है, मतलब क्या नुकसान? देखो हर एक उस्ताद का ना अलग अलग तरीका है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे मोस्टली कभी भी कबूतर, जैसे कबूतर का ना हार्ट भी है, जैसे मैं अपना अनुमान बताता हूँ, जैसे मेरे बाबू ने मेरे गुरु ने सिखाया, तो कबूतर का ना हार्ट यही होता है, जैसे दिल यही है, यही पे होता है। और जैसे नसें भी कबूतर की मोस्टली सब यही होंगी, छोटी आते बड़ी आते यही होती है। तो जब कबूतर अगर ज्यादा हड्डी में गैप होगा ना तो यहाँ प्रेशर होगा, अच्छा ज्यादा गैप होगा तो मतलब हार्ट भी यहाँ, और जैसे जैसे एक्सपोर्ट नहीं मिलती, हाँ वो हल्का
धुंधुम वाइब्रेशन टाइप की रहती है उसके पूरे पार्ट में, मतलब हिलेंगे ज्यादा। गैप कबूतर के अंदर नहीं होगा ना, हडिंग गैप नहीं होगा, तो कबूतर जैसे कुछ भी लगा लो, मैं सपोज कर चोट लगी है और एक तो आपके बिल्कुल स्किन टाइट कर, जब भागेंगे तो हिलेगा ऐसे, तो दर्द सपन होता है, दर्द भी होता है। मतलब हड्डी एकदम टाइट होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक ठीक। इस कबूतर की देखो आप, जितनी पर सॉफ्ट है ना उतनी इसकी हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत ही ज्यादा। मतलब अगर हम हाथ में जैसे पकड़े तो देखेंगे तो बिल्कुल मांस नहीं होगा, एकदम नरमपन सॉफ्टपन होगा। यहाँ देखो ना, बिल्कुल क्या मांस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल 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 मांस नहीं है। ठीक है, और कोई और बढ़िया नस्लें कबूतर तो बहुत सारे और दिखाते हैं। हाँ ये देखो कबूतर, इसकी दुम देखिए एकदम बंद दुम का, एकदम बंद दुम का। ठीक है, सेम क्वालिटी सेम नस्लें। पंजे देखिए, इसको शॉक करिए दोस्तों, ये देखो सेम हड्डी वही छोटी। हाँ, सी हड्डी है, अगर ये हम साइज देखें। हाँ, छोटी कश्ती वाली हड्डी है, कम से कम 4 इंच का तो होना चाहिए, 4 से कम हो तो और अच्छी मानी। नहीं 4 मतलब भाई मोस्टली जैसे कबूतर को पकड़ोगे ना आप, जैसे पकड़ेंगे तो जैसे ना हड्डी महसूस होगी, नोटिस करना जैसे ये वाला कबूतर पकड़े हैं, ये देखो कबूतर हाथ स्लिप होगा, ये देखो साइज कबूतर का परफेक्ट साइज ये होता है कबूतर का। जैसे धूप निकलेगी ना तो मौसम थोड़ा ठीक है, आंखों में शाइनिंग आ जाएगी, बहुत शानदार आंखें इसकी। तो इसका क्या रिजल्ट रहा है आपके पास, ये बाहर से आया है मतलब यहीं कई ब्रीड? ये आया था चेन्नई से, चेन्नई से नहीं, ये अपना आंध्रा से, आंध्रा से। अच्छा, अपना दोस्त है छोटा भाई आकाश पोखरी। अच्छा, आकाश पोखरी का नाम काफी सुना है, बिल्कुल अपना छोटा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका हर दूसरा ब्रीडिंग का कबूतर ये, तो उसका कबूतर बहुत बढ़िया सुपर रिजल्ट है। तो इसके बच्चों का क्या रिजल्ट, आपने उड़ाए भी होंगे? इसके बच्चे मेरे जो छोटे भाई बिल्लू मेहरोली वाले, बिल्लू भाई वो लेके गए थे इसने, तो उनके पास रहा 1 साल के करीब। अच्छा, दो या 3 बच्चे निकले उसके पास। अच्छा, और वो कह रहा था भाई इतना अच्छा रिजल्ट मैंने देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, 1 नंबर का टटेरे बच्चे निकालता सारे, प्योर आंध्रा ब्रीड कह सकते हैं। आप हाथ में पकड़ो इसको, एक बार छोड़ के दिखाता हूँ मैं। जैसे हाँ, जैसे कि पंजाबी पंजाबी भी फेल है का सॉफ्ट है ये, बैठक बैठक बड़ी शानदार, प्योर आंध्रा ब्रीड है। उसकी आंखों का शौक करा आपने, क्या जबरदस्त आंखें थी इसकी। बाकी और कबूतर है वो भी दिखा दीजिए दोस्तों। ये वाला ब्रीड देखिए क्या जबरदस्त है, फुलसरा कबूतर है ये, और माइक्रो शॉट में लेकर देखते हैं। ये भी बाहर से ही आया है, आंध्रा से, ये आकाश का, ये भी, ये भी आकाश के यहाँ से। चेहरा वगैरह देखिए कितना, लोग चेहरा देखते हैं तो क्या कबूतर का चेहरा का महत्व है वैसे उड़ान में अगर देखा जाए तो? देखो क्योंकि इसमें चेहरा भी है आंखें भी हैं, तो इसका मतलब चेहरा और आंखें एक तो शान होती है जो कबूतर की, देखने में ऐसा सुंदर। हाँ, मैं सुंदर भी और शान, जो शान होती है कबूतर की। और चेहरा तो जैसे ना एक एरिया वाइज चेहरे का महत्व होता है, जैसे मॉइस्चर ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगी, तो आप कभी नोटिस करोगे वहाँ कबूतर का चेहरा बड़ा होगा, क्योंकि उस टाइम पे उसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो फिर उसी हिसाब से जैसा माहौल होता है वैसे ढलता जाता है कबूतर। वजूद बड़ा अच्छा है इसका, ये छोटे से वजूद का है, अभी झाड़ पे है थोड़ा सा, पर चिकनाव ले रहे हैं ना, बड़ा दाना ले रहे हैं तो इस टाइम भी है ना थोड़ा झाड़ पे है। इसका तिल्ला देखो कितना बारीक है, ये देखो और शाइनिंग देखो ऊपर भेजो ना, आप अपनी उंगली भी दिखाओगे, हाँ चमक है, जैसे उंगली भी आपकी कुंदे बहुत चौड़े हैं, पारदर्शिता देखेंगे पीछे एकदम, अगर हम हाथ करें तो पीछे से दिखेगा हल्का दिखेगा, ये देखो ठीक। इसका ये देखो आप, ये उड़ान का कबूतर है जिसका 10वां बड़ा है, इसका 9वां छोटा है, फिर अप्रोक्स बराबर ही है, हल्का सा हाँ फर्क है ना फिर भी, लेकिन इसमें उड़ान बहुत ज्यादा है, ये उड़ने का कबूतर बहुत उड़ने वाला है। इसमें वाइब्रेशन देखो कितनी है, इसके बच्चे उड़ाए, बहुत बड़ा रिजल्ट इसका, बहुत सुपर रिजल्ट। ठीक है, पंजे इसके, पंजे बिल्कुल ड्राई है इसके, ये देखो नीले पंजे। इसकी उम्र कितनी हो गई होगी? इसकी उम्र होगी, ये 9 साल का है। 9 साल होगा इसका, क्योंकि आपके पास तो शायद 17-18 साल तक पुराने ब्लड लाइन है। मैं आपको दिखाता हूँ, 18 साल का कबूतर भी दिखाता हूँ, 17 साल के कबूतर सारे। ठीक है, इसको छोड़ के थोड़े, इनके 10+10 के आसपास है सारे।
ये देखिए बैठे इसके दोस्तों, फुल सारा कबूतर है। ठीक है, वो अभी अकेला खुला ना इसलिए वो घुटकेगा नहीं। एक काला दुबाज दिखाते हैं, ये हाँ ये दिखाते हैं। इस कबूतर को पकड़ो, कितना सॉफ्ट है यो। कुंदे बहुत चौड़े चौड़े हैं, बहुत मतलब 9वां 10वां पर बराबर ही है। सेम है देख, इस टाइप का कबूतर बहुत ही कम मिला आपने। ये ब्रीडिंग कबूतर है, ये देखो ये ब्रीडर कबूतर माने जाए। हाँ ये ब्रीडर कबूतर है। पंजों का शौक कर, ये पंजे देखो इसके, खुश नीले हैं इसके एकदम। हाँ बिल्कुल खुश पंजे सारे, नीले पंजे, बारीक पड़ पंजे, बिल्कुल बारीक पंजे सब। साइज हल्का पंजों का इसके, तुम देखो आप बंद हूँ एकदम बिल्कुल। तो दुम बंद होना एक अलग ही महत्व है कबूतर में। ठीक है, छोड़ दे लॉक टर्म में। मोस्टली जिस कबूतर की दुम होगी ना बंद होगी, उसके 10 में 10 बच्चे निकले ना, कम से कम 8 बच्चों 9 बच्चों रिजल्ट होगा। अच्छा, वो आए मतलब उड़ने वाले बच्चे, उड़ने वाले बच्चे होंगे। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस जो आपका, ठीक मेरा एक्सपीरियंस है जिसका है ना, अगर तुम बंद है ना इसके 10 बच्चे 8 10 में से 8 बच्चों के रिजल्ट होगा उड़ने वाले। ये देखिए क्या जबरदस्त इसका। तो अभी सारे भी जोड़े तोड़ रखे, नहीं तो फिर प्रॉपर जोड़ा दिखाते, वो मादिने बाद में दिखाएंगे, नर दिखा रहे अभी। ये देखिए दुबाज कबूतर, इसकी कितनी उम्र है? ये कम से कम 17-18 साल का कबूतर मेरे पास। ये इसकी भी दुम देखिए बंदी है, ये छत का हीरो मतलब अपना बेटा है ये। अच्छा, ऐसी क्या खास, इतने क्या करम कही है ऐसे? बस इस लगाव इतना है, एक बार एक टूर्नामेंट था तो टूर्नामेंट सारे के सारे कबूतर गिर गए थे। अच्छा, यानी कि रात को रह गए थे कबूतर। तो उसमें जब वो है ना भाई कौन सा कबूतर चाहिए मन में, तो मतलब मैंने रात को ये सोचा मैं दुबाज आ जा। अच्छा, मतलब तो इसकी इच्छा दिखी ये आ जाए कम से कम। ठीक, तो ठीक, मैं ठीक। जब गया ना छत पर पहुंचा सुबह 6:30 बजे का टाइम था, तो अकेला छत पर ये उड़ रहा था उस टाइम पे। सही बात, यही किस्सा एक बार मेरे साथ हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का मैच आ रहा था। हाँ, उस दिन वो काला कबूतर मेरा रह गया था, दुबाज कबूतर। अच्छा जी, वो रात को 12 बजे मैं ऐसे चला गया, मम्मी कपड़ा धोएंगे, कहीं कबूतर बैठा जाल पे, और वो कबूतर बैठा मेरा जाल के ऊपर। रात को 12 बजे अंधेरा था, चांदनी रात थी वैसे, वो अकेला आया था बता, इसलिए उसका मैंने लड़का बच्चा रोक लिया है, और बच्चा उससे भी सुंदर बाप। तो ये देखो मतलब ये होगा 17 साल के आसपास इसी एज होगी, और कबूतर अभी इतना तंदुरुस्त है कि बस ये देखो पर देखो इस कबूतर के पर काट रखे हैं इसके। ये भी एक शागिर्द था उसके पास था, तो अब सर्दी का मौसम था तो मगा वापिस मंगा लें भाई, छोड़ देंगे, जोड़े डाल लेंगे ना फिर आगे। इसका चेहरे का शौक करा एक बार, चाहिए चेहरा बड़ा प्यारा है इसका। ये देखिए काले दुबाजों में ये चेहरा नहीं देखने का मिलता था, और आंखें देखिए। हाँ लेकिन येलोपन नहीं है इसके, येलोपन नहीं है थोड़ा सा ना, धूप आज धूप नहीं है, सनलाइट नहीं है, सनलाइट नहीं है थोड़ा। पलक के पंजे देखो इसके, खुश पंजे एकदम, बिल्कुल खुश, बिल्कुल काले पंजे देखो। और उम्र भी देखने में लग नहीं रही कि 17-18 साल होगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि 4-5 साल का होगा। ये देखिए बैठक सबसे पहली बात है, अरे वाह, ये लगेगा नहीं आपको इस एज का होगा, इससे बड़ा भी कबूतर हमारे पास है, वो दिखाएंगे आपको। ठीक ठीक, चलो ये भी आकाश का कबूतर है। ओहो, लोगों के बहुत लोगों का पसंदीदा है ये टटीरे। ओल्ड इंडिया में आकाश जब 2 बार जीता है ना। अच्छा अच्छा, तो इसी के बच्चे भी उड़ते हैं उसमें। आकाश चेन्नई वाला, वो चेन्नई आंध्रा वाला, सॉरी गंटूर से। आकाश की भीड़ है बहुत ही बढ़िया ये वाली, ये आकाश किसी को नहीं देता ये वाले तीतरे। अच्छा, टटीरे हम तो टटीरे बोलते हैं, उसको बोलते हैं जैक खैरे वो। अच्छा, किसी को देता ही नहीं वे, तो मतलब ये बोला भाई आपके पास भेजो इसको, मैं मेरे पास भेजा, तो अब 2 या 3 बच्चे हमारे सुड़ रहे हैं इसके, बच्चे दिखाऊंगा। अच्छा, तबीयत खुश हो जाएगी, बहुत बढ़िया, मतलब चेहरा भी बड़ा शानदार है, कलर सबसे बड़ी बात है, कलर बहुत कम, मतलब लोगों की इच्छा होती है कि उनके पास ये टटीरे हों, खासकर टटीरे मद्रास। और आंखें देखिए दोस्तों, आंखों में अलग ही चमक है यार। नवीन के पास भी एक मेरे टटीरा है, टटीरा शायद था, हाँ टटीरा था, देखा था मैंने टटीरा। पर देखो इसका उत्तर है, ये वाइब्रेशन का कबूतर है।
कबूतर में तो खैर सभी में वाइब्रेशन है अलग। एक बार छोड़ के दिखाइए तो पता लगेगा। पंजे इसके दिखा दिए थे? हाँ पंजे इसके देखो, पंजे देखिए बिल्कुल खुश पंजे इसके भी। हड्डी देखो कबूतर का बिल्कुल ज्वाइंट, देखो ज्वाइंट कोई गैप नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो बिल्कुल गैप, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए ठीक है। एक वो बीच वाला कलसरा दिखाइए, मेरी गर्दन का कलसरा खासकर लोग बाग बहुत पसंद करते हैं। इसकी बहुत सारी खूबियां हैं, इसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जो उस्ताद जी बताएंगे। पहली देखिए तो एकदम दुम बंद, देखो इसकी आप बंद दुम का, ये देखिए दुम सबकी बंदी है मोस्टली, सब हाँ, जितने भी टूटे खुली दुम का कोई नहीं। इसके बच्चे मोस्टली हमारी छत पर है के पास, नस्ल में एक दो बच्चा इसका जरूर मिलेगा। इस वाले टिंकू का पास ही फुसरा भेजा है इसका, और कुंदों का शौक कराते हैं इसके। अब कुछ कबूतर झाड़ पाए इस टाइम थोड़ा सा, अभी टाइम ही है चल रहा है। ये कुंदे देखो कबूतर आप, छोटे पर आ रहा है ये देखो। इसकी खासियत है जैसे ये इसका जो नोमा पर है ना दसवें पर चढ़ा हुआ, देखो इसका भी बड़ा। इसका क्या महत्व है अगर चढ़ा हुआ है? महत्व मतलब ये है कि उड़ान, जैसे गैप नहीं है कबूतर हाँ, परों में गैप। ये देखो इसका दिखे ना दसवा, ये देखो। और इसका इस पर चढ़ रहा है देखो, इससे क्या है कबूतर को पर कम मारने पड़ेंगे हाँ, ज्यादा देर तक हवा में तैर सकेगा। क्रॉस नहीं होगी, हवा क्रॉस नहीं होगी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखो इसका ना, क्योंकि जो खुला गैप रहता है तो उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है उड़ने के लिए, तो जल्दी कबूतर छत पे आता है। फिर नाखून सारे एकदम ब्लैक है, कोई ब्लड लाइन में क्रॉस नहीं है, मतलब प्योर ब्लड लाइन है। जितना पंजा खुश होगा जितना नख लंबा होगा, पंजे और चोंच दोनों ब्लैक है। हाँ, इस कबूतर को इस कबूतर को ना प्यास कम लगेगी। अच्छा, जो खुश पंजे होंगे हाँ, ये दिखा रहे कभी भी नोटिस करोगे ना, जितने भी आप कम होता है जैसे अपने जैसे किसान का जो चनाई होगा सरसों हाँ, होगी जो ताकती चीजें हैं उसके एरिया होता है, उसके एरिया मिलेंगे हमेशा, तो पानी की झाँक कम होगी ना भी मिलेंगी। तो इन कबूतर को ये इनको प्यास नहीं लगती, बस प्यास का रीजन है, बस जितने खुश पंजे होंगे तभी प्यास की वजह से जब उड़ता है तो ये गर्मी के कबूतर है सारे। ये कबूतर क्वालिटी देखो इसमें, गजब का चेहरा और आंखें देखिए चमक कितनी है इसकी आंखों में। ऊपर छोड़ दो परंत है वैसे। वाह क्या बात, इस कबूतर की क्वालिटी देखिए, जैसे टेडी कबूतर नहीं हाँ, टेडी वाली बिल्कुल बिल्कुल भी कहने वाला है। सामने ठीक है पड़ेंगे कबूतर, आप वो देखो सुंदर तक हाँ, ये देखो जो भी छत पे आ जाए कोई इस कबूतर जरूर देखता है एक बार। देखो ये कबूतर दिखाओ, सच में जबरदस्त है। देखिए टटीरा मद्रासी, चेहरे से पहले इसकी आंखों में शौक करिए, कॉफी जैसे आंखें। इसके 7-8 बच्चे हैं हमारे पास। छोटा भाई है बिल्लू मैं रोली वाला, 4 माह दिन उसके पास वो लेके गया। अच्छा हाँ, बिल्लू भाई पास देखी मैं टट्टी हाँ, हैं 4 माह दिन उसके पास है इसकी बेटी, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसके कुंदे देखो आप, इस कबूतर में जैसे ये कुंदा नहीं, ये ब्रीडिंग का कबूतर है इस टाइम, मतलब ये बाहर निकला हुआ हाँ, ये अंदर वाला ना दसवां पर इसका बड़ा है औरों से सबसे, ये ब्रीडिंग कबूतर है सलमन्ना और बालासर चेन्नई में। तो मैं उनके पास गया था तो उन्होंने ये मेरे को गिफ्ट दिए थे 4 कबूतर। अच्छा अच्छा हाँ, तो इनका रिजल्ट बहुत सुपर रिजल्ट है। अब ये टिंकू है हमारा भतीजा, पोता जो मेरा नवीन टिंकू दोनों, ये उसी के पास था, अब वो वापिस छोड़ गया इसने। अच्छा, ब्रीड के लिए है, ब्रीड के लिए। अब सर्दी आ गई ना, जैसे जनवरी फरवरी में जोड़े लगाओगे तो बोला दादा घर पर रखो इसने, वो हम फिर ले जाएंगे इसमें। देख रहे आप ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि कबूतर भी अच्छा है तो ये जाया ना हो। आप शेप देखो कबूतर की, चेहरे से सर से खुश पंजे हाँ, इसमें कोई कमी नहीं कबूतर में, 100% ये रिजल्टेड है। इसकी हड्डी देखो आप,
हड्डी अगर देखी जाए तो हाँ वही चार इंच, चार इंच के अंदर ही अंदर है, चार उंगली के अंदर। और देखो 1% भी गैप नहीं है, देखो हाँ एकदम आपस में बिल्कुल मतलब गैप ही नहीं है, दो एमएम का कहे जॉइंट जॉइंट बिल्कुल जॉइंट जितना। और इसमें क्या हार्ड और सॉफ्टपन भी देखना पड़ता है? जितना हड्डी में गैप होगा ना कबूतर की में, उसके पंजे इतने हैवी मिलेंगे हमेशा आपने। अच्छा मोटे दुम खुली मिलेगी, उसके सारे पॉइंट कट जाएंगे। इसमें इसमें 10 के 10 पॉइंट इस कबूतर के अंदर क्वालिटी वाला। हाँ इसमें पूरे पॉइंट है, ठीक है। इसकी पर कटी हुई है बीच में, वोटिंग के ऊपर था ना ये ब्रीडिंग के वाला। ये इसी पर देखो, देखो कितना बारीक तिल्ला है, चौड़ा पर नहीं है, चाकू की तरह तलवार जैसी नोका कबूतर। मतलब ये देखो इसकी वापसी है, बहुत अंदर खिंचा हुआ है। और दुम देखो इसकी खुलेगी नहीं, तुम खुलेगी नहीं, सही है। छोटा कह दे, छोटे वाला ये हरा। हाँ इसकी एज होगी 20 के आसपास। अच्छा 20 साल होगी। हाँ 20 साल के आसपास होगा, अब बच्चे नहीं बन रहे इसमें। ये प्योर चेन्नई है। अच्छा ये भी चेन्नई से? हाँ ये नहीं नहीं ये घर का है। अच्छा घर का ही है। हाँ ब्लड लाइन प्योर है मतलब। हाँ ये ओरिजिनल है। अब भी देखो उसमें बार कितने बढ़िया हैं इसके, बहुत शानदार बार है। मतलब ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाओ। हाँ देखो बिल्कुल उसी हिसाब से है, बिल्कुल भी गैप नहीं है। एज होगी कुंदे हैं, एज होगी 19 से 20 साल की एज है। 20 साल में भी मेंटेन कर रखा है अपने आप को इसमें। और ये इसके पंजे देख लो आप, बिल्कुल खुश है। हाँ देखो देखो कुछ चीज़ें, एक और टिप्स बताता हूँ, जैसे हो सकता है भैया अपनी अपनी राय, जैसे जिस कबूतर ऐसे दे पंजे छुपा ले अपने, छुपा ले उसके बच्चों की वापसी बहुत बढ़िया है। अच्छा ये तो बहुत अच्छा। इसके आज तक के जो बच्चे भागे नवीन पे होंगे खैरे, ये सब्जी इसी ब्रीड से हैं सारे, भूरे सारे हैं जो नवीन के पास है ना, वे जो खैरे जो भूरे दिख रहे हैं, भूरे और खैरे इसी की ब्रीड है सारी। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब ये होगा 100 बच्चे मारो निकले होंगे ना पार्टी में, तो 100 में तो 10 बच्चे ना बच्चे घर पे होंगे या 10 बच्चे हमारे यहाँ से निकले होंगे, मतलब जाया नहीं होंगे, घर वापसी पक्की रहेगी। नहीं इतने पक्के, मतलब ये देखो छुपा ले रहा है सारे, छुपा ले रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरा के है ना जैसे कबूतर, जैसे ये देखो इसने, ठीक है, और पंजे नहीं खोल इसके। हाँ इसमें पूरे के पूरे पॉइंट हैं, इनमें इतनी क्वालिटी है, अगर मर जाएंगे घर पर। देखो नवीन पिछले साल भी चैंपियन था, इस साल भी चैंपियन। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको मैं, बैठते नहीं पंजे, खुलेंगे नहीं कबूतर, गर्मी हो चाहे सर्दी हो बैठते नहीं, मतलब दोनों सीजन में 100% रिजल्ट देंगे अपना। और सबसे बड़ा है कि बाप की जो मालिक जो होगा ना उसकी हर बात को मानेंगे। फेस खोल ले पूरे। एक इत्तफाक बताता हूँ, इस कबूतर का बच्चा था हमारे पास, वो जो हम स्कूल मुड़ा करते उस टाइम पे, तो स्कूल में तब वो मैं उसको घर पर लेकर आ गया, घर पर लेकर आ गया उसको। ये 20 साल की एज है, 20 साल की उम्र हो गई दोस्तों इस कबूतर की। देखिए तो, और चांस से कबूतर 4 पर थे वापिस आ गया वो। अच्छा कैच में भाग गया था, छत से जा रहा था, छत का भी बाहर कुछ देखा ही नहीं। अच्छा पहली बार ही बाहर निकला था वो, पहली बार ही बाहर निकल के भाग गया वो। और उसके बाद जो है वो आया था, मैं जा छत में आवाज मार दी, मेरे को देख के आए वो, मतलब घर पर 4 मालिक को पहचान इतना था। उससे मैं 2 कंपटीशन फर्स्ट के नाम थे मेरे कटे, उसका हल्का सा लखवा था। अच्छा जिससे मैं बैठा करता ना तो बैठा जाता, नीचे गिर घेर मारता वो, नीचे गिर। अच्छा अच्छा उससे 2 बार नंबर कटा मेरा। ये देखिए टटीरा कबूतर, ये लो जी, ये भी सैलो बनना का है, वहीं से आंध्रा से। ये चेन्नई का है, चेन्नई का। ये देखो जी सर जी, पर देखो कुंदे, कुंदे देखो इस कबूतर के, दोनों पर बराबर है लास्ट। हाँ लास्ट के ये देखो प्योर टटीरा, वाइब्रेशन देखो। ये चैंपियन। हाँ इसका क्या रिजल्ट रहा है आपके पास? मैं बस क्या बताऊँ, गर्मी उड़ेंगे तब बताऊंगा। गर्मियों का बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत सुपर रिजल्ट है इनका। लेकिन क्या है कि जैसे कि ना पार्टी है ना, पार्टी बड़ी है तो कोई ना कोई आओगा, तो जैसे कि जितने भी टच में हैं तो एक दो बच्चा लेके चले जाए। हाँ कोई ना कोई आओगा तो लेके चला जाए। और मैं भी खुश होता हूँ जितने मेरे टच के भाई हमारे भाई उड़ेंगे, अच्छा तो याद रहेगा मेरे पास उड़ रहा है ये नस्ल, क्योंकि ये कबूतर के पास है सेम क्वालिटी सब में वही है कबूतरों में देखी जाए। कोई भी ऐसा नहीं है कि 19-20 कबूतर होगा, पंदों में एकदम ठीक है। इसको छोड़ कर दिखा दिए पंजे, दिखा 1% भी मतलब यू लगा लो हड्डी में गैप नहीं इसके में भी। ये पंजे देखो बिल्कुल खुश पंजे सब, ठीक है।
ब्रीड है, मतलब कबूतरबाजी का शौक जो यहीं से शुरू हुआ था। हाँ, इसी ब्रीड से इन्हीं से जब तो इसको भी फिर आप मेरे साथ 17-18 साल हो गए होंगे। 98 में ले गया था। अच्छा 98 में। हाँ तो फिर तो वही मैं कबूतर ले गया 22-23 तो। हाँ ये है, एक हमारे अच्छे मित्र ना सत्तो त्रिनगर थे, तो उस टाइम पर मदरासी का जो शौक था ना सत्तो सोनार के नाम से था। अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल नाम से। आदमी पीठ भेजा बढ़ाई है वो उसी से मदरासी कबूतर दिल्ली में पैदा हुए। अच्छा उस पर स्टार्टिंग में मैं एक पेयर ले गया था, उनसे मैंने ब्रीड ये हुआ था 98 की। खैरे कबूतर। हाँ खैरे खैरे मैंने बनाए थे फिर। अच्छा अच्छा। हाँ हरी मादिन से फिर खैरे बनाए ये। हम्म। ये देखो जी कबूतरों के पर देखो चौड़े चौड़े कुंदे हैं। हाँ ये देखो चौड़े नहीं है कबूतर, कुंदे चौड़े नहीं है, मतलब ये बीच में। हाँ हाँ तिल्ला देखो कितना बारीक है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सॉफ्ट, कितने कबूतर है ये देखो। ये नवीन में मोस्टली जो खैरे उड़ रहे हैं ना, खैरे जो इनके। हाँ ये नवीन के पास सारी यही ब्रीड है, ये इनका सबका दादा है, किसी का परदादा है, मतलब एज पीढ़ी टू पीढ़ी चल रहा है इस। ये देखो एज ज्यादा होगी, होगा 16-17 साल का, फल फालतू हो सकता है ये इतने का होगा। बहुत शानदार है सारे एंटी काफों में ये। हाँ ये पंजे देखो, इसके पंजे बिल्कुल खुश पंजे मिलेंगे इसके भी, बिल्कुल हड्डी देखो कितनी सुपर है देखो। अगर हम हड्डी की साइज की बात करें ना, छोटी हड्डी है और गैप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम बंद हड्डी, बिल्कुल बंद हड्डी, एकदम कस्ती वाली हड्डी, कस्ती वाली हड्डी हर कबूतर की ना यही मिलेगी आपको। ये भी बिल्कुल अपना एक का ना बेटा ही है। अच्छा हाँ ये सुपर कहते हैं जो भी सुपर क्वालिटी, सुपर से सुपर डुपर है बिल्कुल जी। ये देखो पर कबूतर के एक पर दही है, ये देखो पर के ऊपर पर एक इंच का भी आपको थोड़ा सूत का भी फर्क नहीं होगा कबूतर गैप पर, पर के ऊपर पर चढ़े हुए हैं, मतलब बिल्कुल इसके पहला नहीं, इसका तो तीन, इसके ऊपर तीन है जैसे लास्ट के तीनों। हाँ इसके बच्चे हमने उड़ाए हैं जून तक बिल्कुल शाम को बैठते हैं, मतलब 10-11-12 घंटे बच्चे। हाँ 11 घंटे की एवरेज, 12 घंटे एवरेज करे बिल्कुल। मई जून में भी तो फिर बहुत मई जून में दिल्ली का टेम्परेचर 46 का रहता है, बिल्कुल 46 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। ये देखो जी ठीक है, चेहरा बड़ा प्यारा है इसका। मैं इसको इसमें ना 100 पॉइंट है पूरे, एक पॉइंट भी कमी नहीं इसके अंदर कबूतर अंदर। आँखें भी बड़ी अच्छी है, लाल आँखें, आँखों में चमक कितनी है। नहीं देखो जी बिल्कुल ब्लैक पंजे हैं इसके, नखून कितने लंबे हैं। हेलो ये हड्डी देखो, सब की जो है कबूतर यही मिलेगी आपको, वही कस्ती वाली हड्डी है सारी बिल्कुल। देखो ज्वाइंट में 1% भी आपको जगह नहीं है बिल्कुल कबूतर, बिल्कुल बंद जो है। खैरे सबसे खरे और हरे दोनों का तो लाजवाब है एकदम। ठीक है छोड़ के दिखाइए इसको, छोड़ दे ऊपर छोड़ दे, यहाँ बैठा तो पता लगेगा। देखिए बैठक सही पता लगेगा, ये मैंने पहचान दे विशाल ना, ये सारे मेरी आवाज़ जो घुटेंगे सब का। अच्छा हाँ ये मेरे को सब पहचान है, सही बात है। दोस्तों एक कबूतर और जी, एक नया चीज और दिखाता हूँ आपको मैं, कलर बहुत प्यारा है, कलर से लेके कबूतर देखिए बंदों में इसकी भी एक पर के ऊपर जो ये है ना, ये देखिए साथ में इसका ऊपर है, बीच के कुंदे के बाद सारे नीचे ऐसे बंद कर लिए। ये टाई नंबर पूछो कबूतर ऐसी होनी चाहिए, मतलब कितना भी कुछ कर लो आप कबूतर शेप उसमें आ जाएगी वापस, बाद में उसी में आ जाएगी। कोई ना इसका पल्ला देखो आप, रोका लगी है इतनी सॉफ्ट हड्डी है इस कबूतर की, जितने सॉफ्ट हो रहे उतनी सॉफ्ट हड्डी है कबूतर की बाजू में, कबूतर जितनी सॉफ्ट पर मिलेगी ना इतनी पर तिल्ला हो इतना सॉफ्ट की हड्डी मिलेगी कबूतर की। तो ये जन्म से ही होता है या फिर इसको खिलान पिलान के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मतलब देखो ऐसी की जाए कि उनके कुंडे हैवी भारी ना हो या फिर देखो एक ब्लड की बात है, ब्लड लाइन की, ब्लड लाइन की बात है, भी जैसा बाप होगा बेटा वैसा ही होगा। ये तो है, ये गधा घोड़ा घोड़ा में फर्क होता है ना भाई, एक तो भाई
बस जैसी क्वालिटी का घोड़ा आप रखोगे वैसे बच्चे होंगे उसके, और आप मिक्स कर दोगे जैसे घोड़ा मिला दिया जैसे पंजाबी से मद्रासी मिला दिया, मद्रासी आंध्रा मिला दिया, तो ब्रीड खराब हो जाती है। ये बिल्कुल और प्योर आंध्रा वक्त हो रहा है, मैं मिक्स कभी नहीं करता। और ये भी छोटे भाई की आज है ना, सच बात है, मैं छत पे ही, छत पे ना कबूतरबाजी की छत मेरे इस पे बहुत ही कम आदमी आते हैं, बहुत कम, मतलब ये लगा तो ज्यादा कम देने की उड़ान वाली छत ज्यादा उसी पे आते हैं, इससे बहुत ही जैसे प्यारे भाई है कोई, तो इस पे आ गए। चेहरा हो, आंखों पर हो, पुंदे हो, हर चीज में कबूतर बेस्ट है। ये देखो एक ये देखिए बहुत लाल सर, मतलब ललपोटिया टाइप का कह सकते हैं। इसकी आंखें देख, ये भी 19 ब्लड लाइन में से ही हो, गोल्डन वाली नहीं, ये अलग है। अच्छा ये अलग है, ये अलग मद्रासी में कलर देखने को भी नहीं मिलता, पीछे से काला और आगे से लाल देसी में मिलता था एक। अभी कुछ तो झाड़ बने सही, सुनहरे पोतो में बहुत सुपर रिजल्ट है, जबरदस्त कबूतर है। चेहरा देखिए इसका, इसकी वापसी बहुत सुपर है, बच्चों की देखो ये पंजे देखो आप, जामुनी पंजे होंगे बिल्कुल गहरे, इसकी तो लग रहा जैसे हड्डी बिल्कुल है ही नहीं इसकी। हाँ कस्ती प्योर कस्ती, ये देखो मतलब ये देखो चुभने वाली हड्डी नहीं है किसी की भी कबूतर की। हालांकि जो इससे ज्यादा चुभने वाली होती है उनमें वापसी ज्यादा होती है, ऐसा क्या है मानते हैं लोग? नहीं नहीं चुभने वाली देखो जितनी भी, एक तो मीडियम होती है वो तो बेकार हो गया, मतलब प्लेन हड्डी नहीं होनी चाहिए कबूतर की। कुछ पॉइंट मैं बता देता, तो कुछ पॉइंट कबूतर ऐसे होने चाहिए जैसे कि एक तो कबूतर के यहाँ बिल्कुल ये फ्लैट होना चाहिए, तो हाथ से एकदम फिसले कबूतर, जैसे ये है ना ये जैसे रीढ़ की हड्डी अगर उठाओ होगा जैसे वो कुबड़ हम नहीं कहते जैसे हम ऐसे हो गए, ये बिल्कुल ही होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन। अच्छा 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 ठीक है, ये बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए यहाँ से, और ये जितनी हड्डी चुभेगी ना उतना अच्छा कबूतर होगा। अच्छा सॉफ्ट होनी चाहिए हड्डी, हाँ सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक ठीक ठीक, ये जैसे सॉफ्ट है सारे कबूतर जैसे। इसका तिल्ला देखो कितना सुपर है, मतलब सॉफ्ट है, बहुत प्यारा है कबूतर ये भी। देखो जी ये भी आकाश की एक नया चीज है, आकाश, हाँ आकाश के फूल सरे, आकाश पोखरे के फूल सरे, मतलब ये चैंपियन है उसके, ऑल इंडिया चैंपियन कहते हैं ना वो कबूतर है इसके। ये देखो कबूतर, इस कबूतर में क्वालिटी देखो आप, साफ आ रहा है। हाँ जी, अब इसके पर देखो, अभी झाड़ पे कबूतर थोड़े से दाना मोटा ले रहे हैं ना, इस समय खुराक बढ़ा दिया ना, खुराक ब्रीड से अलग कर रखा जोड़ों से। ये देखो जैसे पर देखो, काके बाजू के पर इससे देखो, दसवें पर दसवा ऊपर इस पर चंगा बिल्कुल भी नहीं, ये देखो गैप नहीं है बिल्कुल, बुरा मान गया। ये भी आकाश का है, ये लाल चीन है उसके। अच्छा हाँ जी, वो अपने इसको पता नहीं क्या बोलते होंगे लेकिन हम इसमें लाल चीन है बोलते हैं, लाल छींटे हैं इसके, लाल छींटे हैं इस कबूतर में, पूरे के 100 पॉइंट इसके अंदर भी, परों से लेके वहां तक बिल्कुल कोई कमी नहीं इसके अंदर, चेहरे से आंखों से बहुत खूबसूरती भी। ये लो जी, ये प्योर आंध्रा है बिल्कुल, ये झगड़ा वाटा करके बिल्कुल रिंग गोल है इसका, ये
कबूतर में क्वालिटी भी होने, ये भी है ना इसकी, ऐसे भी नहीं होने चाहिए कबूतर में, ऐसे ऊपर होगी या साइड में होगी, जैसे रिंग बिल्कुल बीच में, मतलब गोलाई होनी चाहिए बिल्कुल कबूतर के अंदर। ये झगड़ा वगैरह कर रहे हैं ना, नर नर ना एक दूसरे खाने घुस जाए, मारते रहते हैं। हाँ तो मैं तो शाम के टाइम आऊँ तो तभी इनको बंद करता हूँ उसमें, केज में जो है। इसकी हड्डी बहुत ही सुपर, मतलब हाथ लगाओगे तो मतलब जॉइंट बिल्कुल टच है, बिल्कुल टच, बिल्कुल बंद है। हाँ बंद है बिल्कुल। ठीक है, गोल्डन का नहीं बड़ा ये है जी हमारा बड़ा गोल्डन। आप जो कह रहे हैं ना हड्डी चुभने वाली, चुभने वाली हाँ, भी हड्डी इसे कहते हैं। ये देखो एक सेकंड, अब ये देखो ये इनमें इस ब्रीड का कबूतर बहुत ही कम छत पे मिला आपने। ये वापसी सबसे पक्की मानता हूँ मेरी नज़र में जो है, कि इनके बच्चे कटेंगे नहीं, मर जाएंगे नहीं, घर आएंगे। ये देखो जो कह रहे थे ना आप, देखो इसकी हड्डी मतलब जैसे कि कहते हैं ना भाई बिल्कुल, ये देखो ऐसी हड्डी का कबूतर की छत मिलेगा नहीं आपने। मेरे पास एक जोड़ है फुलसरों का, सेम इसी हड्डी का था। देखो ये देखो चुभ रही है इसकी हड्डी, मतलब समझ, ये बहुत सुपर कबूतर है। ठीक है इसकी ये थोड़ी सी ज्यादा हुई, और पंजे देखो इसके बिल्कुल खुश्क, इसका बेटा वो पहले गोल्डन दिखाया था वो है नवीन पकड़ी बार, वो इसी का ही बेटा था, इसी का बेटा है। ये बाप है, ये इसका बेटा है, ये दोनों ये बेटे शौकनी दोस्तों। ये है भी आकाश की ब्रीड है। अच्छा ये देख, ये प्योर आंध्रा है बिल्कुल ओरिजिनल है। इसके बच्चों वाले लिए बहुत बढ़िया सुपर रिजल्ट है। ये 15 साल के आसपास होगा एज इसकी, ये 15+ के आसपास का। आँखों में चमक भी अच्छी है इसकी, 15 साल हो गए इसकी। हाँ 15+ ही हुआ ये। ये भी आकाश का कबूतर है, मतलब इसकी हड्डी देखो आप बिल्कुल सुपर। मतलब इसके पंजे देखो खुशका, उम्र दराज हो गया तो ब्रीड कर रहा है भी ये। हाँ ठीक है वो संदा, ये लो जी ये हमारे घर की ब्रीड है। बहुत सुपर रिजल्ट इसका भी, बहुत ही बढ़िया नीले खैर इसमें भी। हाँ इसमें पूरे के पूरे 100 के 100 पर पॉइंट इसके अंदर कबूतर अंदर, पंजों से उड़ान से परों से चेहरे से पंजे भी अच्छे हैं इसके चेहरे में, आंखें भी गहरी, जमीन भी इसी गहरी है इसकी। इसकी आंखें देखो बिल्कुल गोराई गर्ग, देखो बिल्कुल रिंग बिल्कुल सेम, एक पॉइंट भी कट नहीं है इसकी आंखों में। और शान देखो मतलब मूवमेंट इसके अंदर, हाँ मूवमेंट देखो जूमिंग है, मतलब देखो हाँ मतलब इसमें शान बहुत है। कबूतर ने मूवमेंट देखो कबूतर की, जैसे कि उड़ते टाइम कबूतर मुंह में हमेशा गर्दन ऐसे रखा है, ये जगह स्थिर है जैसे वो YS काम करता है ना कैमरे का। साइज कितना छोटा है इसका, छोटा सा साइज है बिल्कुल, ये देखो दुम वही बंद बहुत अच्छा रिजल्ट है कबूतर का, बच्चे का बच्चा दिखाऊंगा छत पे चलेंगे बिल्कुल सेम, तीनों बराबर कुंदे हैं।
ये हमारे पुराने खैरों में से ही है, सुंदर भी है कबूतर का, मतलब ये इतनी उड़ान इसके अंदर, इतनी उड़ान में बहुत ही सुपर रिजल्ट है इसका। तो जैसे हम जून में मई में उड़ाया करते तो ये हमने बच्चा रोक लिया कर। अच्छा ये घर का ही है? हाँ ये घर का है, ये रोक लिया कर, ये उड़ाया नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि इसने ब्रीड के रोक लिया कर, ब्रीडर कबूतर है। हाँ ये ब्रीडर है, मतलब इसके बच्चे उड़ाए ना, बच्चों ने तो बाप भी, हम भूल गए बाप की उड़ान देख के, भी बाप को ही फेल कर दिया, बाप को फेल कर दिया। इससे इसके बाप कौन से थे? खैरा वही जो जोड़ा दिखा, इसका बाप वो है नीचे। हाँ वो जो खैरे दिखाए, हाँ खैरे दिखाए थे। इसके बच्चों ने ना इसका बाप भी, ये भी फेल कर दिया उड़ान में। इसके बच्चों ने, इसके बच्चों ने, इसके बच्चे दिखाऊंगा, इतने खूबसूरत है। और देखो पर, देखो इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट। ये नीचे रहेगा फुसना होते हैं, हमने केज में रखते हैं। हाँ लॉफ्ट जो बनाया है बहुत अच्छे तरीके से बनाया है कि एक कबूतर खुश रहेगा, तो उसको ऐसा लगे कि बंधक में हूँ मैं। लोग बाग वन बाय वन का केज बना देते हैं, उसमें वो उसमें घूम भी नहीं पाते कबूतर ढंग से। 1 लाख का टूर्नामेंट था हरिंदर पाल वाला करवा रखा था, जिसमें गाड़ी भी फर्स्ट प्राइज था जो था, तो उसमें 1 लाख का जो इनाम था मेरा फर्स्ट था उसमें। अच्छा हाँ, ये खुद भी चैंपियन रहा है ऑल इंडिया में, मेरा सेकंड था, हमारे धर्मा भाई है मेरी पार्टी में वो, उनका फर्स्ट था। तो उस टाइम टेम्परेचर भी 46 था दिल्ली में। अच्छा अच्छा, ये 20 मई की बात है। उस टाइम पे मेरा सेकंड धर्मा का फर्स्ट था, एक कबूतर हमारा आया नहीं उस टाइम पे ना, तो शायद बहुत सुपर रिजल्ट चल रहा था दोनों की। अच्छा, हाइट मिनटों में होती तो उसमें सबसे ज्यादा सही बैठा था ऑल इंडिया में गर्मी में। अच्छा हाँ, ये भी थोड़ा। और इसके जो 1 लाख रुपए का जो इनाम था फर्स्ट प्राइज था मेरा, उसमें मोस्टली 80% बच्चे इसी कबूतर गए थे। अच्छा हाँ, तो उसमें कितने कबूतर उड़े थे? उसमें 11 उड़े थे, तो 11 में थे इसके 7 कबूतर, मान लो 7 बच्चे इसी कबूतर के उड़ रहे थे। ठीक ठीक ठीक, इसके बच्चे दिखाऊंगा आपने, इसकी पीढ़ियों पे यानी कि 7-8 पीढ़ियां मेरे पास चल रही है। और जितने भी मेरी पार्टी में शागिर्द हैं, मोस्टली या नस्ल जो होगी ये टिंकू के पास है, ये नस्ल जो है टिंकू के पास, ये वाली हाँ, इसने हम ताखा बोलते हैं। इसके बाप ने कभी बाप ने मैं 98 में सत्तों पे ले गया था इसके। अच्छा, बाप अच्छा, हाँ, त्रिनगर सत्तों सुनार पे ले गया था। देखो शादी ने बहुत अच्छे कबूतर बनवाए, तो ये तो मतलब उनके पास शुरू में जो नस्ल आई थी बहुत अच्छी थी, अच्छा कोई नहीं। देखो दिल्ली की कबूतरबाजी में बनाने में सत्तों का महत्व सबसे बड़ा है, ठीक है, उसको लोग याद नहीं करते, मैं एक अच्छा आदमी उसको याद करता हूँ बेटा। ठीक ठीक, एक कबूतर दोस्तों और दिखाते हैं उस्ताद जी, दिखाएंगे आपको। ये है जी बाबा वाली ब्रीड। ये कहाँ से आएगी उस्ताद जी? ये चेन्नई से ही है। ये चेन्नई से? हाँ, चेन्नई और आंध्रा के बीच में ही है ये भी। ये अपने दोस्त आकाश है छोटे भाई, यानी कि बहुत रिक्वेस्ट करने पे, एक बुजुर्ग आदमी है। अच्छा, अच्छा। एक महाराज है मंदिर के अंदर, वो किसी को कबूतर देते नहीं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे 6-7 राउंड लगे थे तब आकाश ने रिक्वेस्ट करी कि मेरे भाई हैं बड़े दिल्ली से आते हैं, एक पेड़ तो दे दो। जब ये आकाश ने उस टाइम पे मैंने बोल दिया 20,000-30,000 मैं दे दूंगा पेड़ के भी, उन्होंने मना कर दिया, बोला दूंगा नहीं। लेकिन आकाश के कहने से उसने फिर एक पैसा लिया नहीं, तो एक पेड़ मेरे गिफ्ट में दिया। 6-7 साल कोई बात नहीं, 7 साल में एक पेड़ मेरे को मिला ये, और इसके हमने बच्चे उड़ाए, बहुत सुपर रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। अब जैसे धूप होती ना ये तिल एकदम बारीक, हाँ छोटा, अभी भी देखो बाकी छोटा किला है इसका, बारीक है। अगर मैं फ्लैश चालू करके देखना चाहूँ, हाँ ये देखो कलर, एक तो क्वालिटी से कलर, आंखों में आप इतनी क्वालिटी दिखाई देंगे आपको, छोटा तिल्ला बिल्कुल बिल्कुल गोल्डन है, मतलब सोने जैसी आंखें हो जाती है इसकी, प्योर गोल्डन आईज। और सनलाइट में तो और बारीक कर लेता है एकदम बारीक, क्योंकि फ्लैश में उतना तगड़ी लाइट नहीं रहती। इसके बच्चे उड़ाए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। अब इसके कोशिश करूंगा जितने भी
इसके बच्चे निकलेंगे, ब्लड लाइन बना के मेरे जितने भी शागिर्द हमारी छत है सब पे इसकी नस्ल बनवा दूंगा, एक एक दो बच्चा सब फेवर दूंगा। कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा चैंपियन कबूतर यही है। लोग भाई ये कलर पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा उड़ान सबकी अलग अलग समझ है। ठीक बात है ना, समझ की बातें हैं सबकी, लेकिन एक उस्ताद के नाते इससे बढ़िया नस्ल नहीं है कोई। हाँ नस्लें तो सारी है लेकिन इसमें पूरे के 100 पॉइंट है इसके अंदर, इसमें कमी नहीं है। नीला कबूतर है दोस्तों, देखिए क्या जबरदस्त। ठीक है, बाकी आप वैसे खोल खोल के लॉफ्ट में दिखा देता हूँ क्योंकि कबूतर तो बहुत सारे प्यारे प्यारे हैं। हाँ ये देखिए चीना कबूतर है, बहुत जबरदस्त। ये भी चेन्नई से आया एक दोस्त। अच्छा ये चेन्नई से आया था, ये दिखाते हैं फिर। ये भी आया सुबह ना, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं वहाँ, शागिर्द भी हैं पार्टी में, तो कोई अच्छा सुपर कबूतर आ जाता है भी कहते उस्ताद जी भेज दें, हम तो मना करते हैं मगर रहने दो, लेकिन फिर भी वो भेज ही देंगे दो कबूतर। वैसे ही ये कबूतर अच्छा, ये थोड़ा सा नया है, थोड़ा ना कबूतर भी बुरा सा है मान रहा थोड़ा सा, तो इसके बच्चे चले नहीं अभी, कोई बच्चे अभी जोड़ में डाला है, डालेंगे इसको भी। मोस्टली जो है ना आकाश की और ये घर की भी आकाश के ज्यादा यही रखते हैं, ज्यादा तो कबूतर है नहीं ज्यादा, यही थोड़े से कबूतर हमारे पास। ये वाला दिखाया था मैंने, दिखा दे ये दिखा दिया था, अच्छा ये दिखा रही है। हां ठीक, ये भी दिखा दिया है, एक नहीं दिखाया अभी, मैं दिखा देता हूं। ये भी दिखा दिया है, मोस्टली सारे दिखाए दिए हमने, एक नहीं दिखाया। ये भी आकाश ने भेजा है कबूतर, इसका थोड़ा वजूद का बड़ा कबूतर है, बुजुर्ग बुढ़ा हुआ थोड़ा कबूतर, ये देखो आंखें भी छोटी होगी थोड़ा बड़ा। बेचारे की आंखें भी टेंशन, इसकी कितनी उम्र हुई है? इसकी कोई एज का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक ही कबूतर है ये। अच्छा अच्छा, और जो कि मेरे पास ही है, इसको बोलते हैं बॉस ब्रीड। बॉस ब्रीड है, हाँ ये आकाश की बॉस ब्रीड है। अच्छा ये भी नहीं, इसके हमने 6 या 7 बच्चे उड़ाए, कितने उड़ा लिए इसके? 6 बच्चे हमारे ऑलरेडी उड़े इस टाइम। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले चाहते 6 के 6 टूर्नामेंट उड़ेंगे। अच्छा जी, हाँ अच्छा, कबूतर का साइज बड़ा है थोड़ा सा, साइज हाँ बड़ा साइज तरह थोड़ा साइज, लेकिन बच्चों का बच्चे का साइज देखो इतना बड़ा साइज है बस, छोटे छोटे एक गिट से बड़ा है ही नहीं इससे बड़े बहुत छोटे साइज के बच्चे हैं। कबूतर बड़ा प्यारा है, हाँ उम्र होगी इसकी ज्यादा बस थोड़ी सी, लेकिन अंडे बच्चे कर रहा लगता है 15+ होगा, आइडिया बता रहा हूँ, परवर भी खत्म हो गई इसके। ऐसे एक उस्ताद जी के लाया, मम्मू उस्ताद जी के पास से लाया था, उनका मेन कबूतर था खैरा, मम्मू पे हाँ, ये ऐसी कबूतर था बुढ़ा एक, उसकी जैसी आंखें कहीं नहीं देखी मैंने, मेरे पास फोटो पड़ी होगी शायद। मम्मू जो है मेरे उस्ताद जी बहुत बढ़िया, हाँ मेरे अच्छे दोस्त भी रहे हैं, हम एक ही गुरु के चेले हैं, मैं विमल और मम्मू एक ही, और मम्मू पे जो खैरी ब्रीड होगी ना हरे सब्जी होंगे मोस्टली मेरी ब्रीड उसके पास भी। नहीं मैं एक लाया था भौरा कबूतर था, एक आंख उसकी खराब हो गई थी। अच्छा, उसका बच्चे नहीं ले पाया, मर गया था, उसकी बिल्ली ने खा गया था गर्दन। अच्छा अच्छा, उसकी आंख कहीं नहीं देखने को मिली, अगर मिली तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, बहुत जबरदस्त। इसी ये खैरे हो ना, ये खैरे, ये हमने 75 कबूतर दिए थे मम्मू, तो खैरे मैंने 75 कबूतर मम्मू को दिए, सारे छोड़ दिए थे कबूतर, हाँ सारे छोड़ दिए। बुढ़ा हो गए, हाँ दोस्तों सारे कबूतर का शौक कर लीजिए एक बार, क्योंकि अंदर कबूतर थोड़ा डर रहे हैं इसलिए दिखा नहीं पा रहे हैं आपको।